हेलो भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं। हे प्रधानमंत्री जी, यदि हमारी बात आप तक पहुंच रही हो तो यासी नदी को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी, यही है यासी नदी। असी और वरुणा मिलकर के वरुणा धन असी बराबर वाराणसी। हे श्रद्धे पूज्य दामोदर जी के सुपुत्र नरेंद्र मोदी साहब, यही असी नदी है। और बगल में लोग शौच कर रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, उधर सुअर दिख रही हैं और इधर यह कचरे का अंबार लगा है। प्रधानमंत्री जी, नहीं आ पाते हैं, बगल में असी घाट बना हुआ है। क्यों साहब, वही असी घाट है ना? वही असी घाट है। अच्छा, हम जहाँ खड़े हैं रविदास घाट है, मायावती जी द्वारा। यह रविदास घाट है, अभी वाराणसी के मित्रों ने बताया है। बगल में देखिए लगातार शौच करके प्रक्षालन कर रहे हैं लोग। हम यहाँ से लगभग 125 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर होगा लगभग, यहाँ से असी घाट जहाँ प्रधानमंत्री जी का कई बार आना हुआ है। और आज योगी जी भी प्रथम आगमन उनका वाराणसी में हो रहा है। आ जाइए आ रहे हैं। असी नदी है, असी घाट को चमका दिया। चमकाया क्या यार, कि सारा पॉलीथीन, सारा अपशिष्ट पदार्थ, सारा कचरा जनरेटर लगा करके और गंगा में उड़ेल करके कर दिया गया उसको आगे। यह गंगा है, नेशनल रिवर गंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, पतित पावनी गंगा है। भगवान शंकर की जटाओं से चल करके यह लोग को तारने वाली भगीरथ के प्रयास से यहाँ आने वाली गंगा है। साहब यह देखिए, यह कचरा हम सभी ने नहीं फैलाया है। यह आप हड्डियाँ देख रहे हैं, जगह जगह पशुओं की हड्डियाँ हैं और इधर तमाम तरह की हड्डियाँ हैं। इधर जो मुर्गा वगैरह काटा गया है वह है। साहब कितना दिखाए, चलिए यह देखिए, ये हड्डियाँ हैं। जिधर भी आप देखेंगे पशुओं की हड्डियाँ हैं। कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यह कब होगा शोधन इसका पानी? और यह नदी है साहब, नाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके लोगों ने झूठ बोला होगा। उमा भारती जी सच में नौटंकी करने की एक बड़ी कलाकार है। अभी टेलीविजन पर आ रहा था, साफ स्वच्छ हो गया। हमने 3 साल में कौन सा संदेश, कल 3 साल, क्यों साहब 3 साल कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। हमारे वाराणसी के मित्र है, आज 3 साल हो गया। 3 साल होने पर यह हकीकत एक बार लंबा दिखा दीजिए। आपने, पूर्व की सरकार ने बैन लगाया और योगी जी कह रहे हैं पॉलीथीन रुकना चाहिए। किसकी फैक्ट्री है, किस कार्यकर्ता की फैक्ट्री है? कितना चंदा देता है आपका वह फैक्ट्री मालिक, नाश कर रहे हैं। अखिलेश को पाप लगा, योगी जी आप भी पाप के भागी हो गए। क्या पतित पावनी तड़प तड़प करके मर रही है, इधर भी दिखाना चाहेंगे, कौन सा दिखाएं? इसमें दवाएं हैं, सुचिया है, रैपर है। और आप सभी क्या देखते हैं, आज ऐसे कितना पैसा खर्च हुआ है? और मैं तो आदरणीय मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके, प्लीज दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, कि आप लोग दुष्प्रचार न करें। आप जैसे नेता जो इस देश में, जो हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, कितने लोगों, करोड़ों लोगों की उम्मीद है। कृपया करके ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंटरेस्ट लें। आप जैसा नेता अगर इस देश में नहीं कर पाया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, पूरा मामला हम उचित माध्यम को संदर्भित करते हैं, भेजते हैं। आशा है इनको शर्म आएगी और इस पर यह कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दास घाट पर यह रविदास पार्क भी ऊपर है, यहाँ का यंत्र भी लगा था मायावती गवर्नमेंट में। पता नहीं कितना पैसा इन लोगों ने खाया, मायावती जी के पेट में गया होगा,
अखिलेश के पेट में गया होगा और अब योगी और मोदी के पेट में जाएगा। यह शोधन यंत्र लगा हुआ है और यह तड़प तड़प करके असी माता तड़प तड़प करके नाला बना दिया गया है। नगर निगम ने असी नदी को असी नाला बना दिया है और हम लोग चिल्ला नहीं रहे, हंस नहीं रहे, हम लोग बेहद अंदर से आहत है इसको लेकर। और कृपया हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।